तो हेलो वालों, कैसे हो? सारे होप करता हूँ सही बड़े होंगे। तो आज मैं बनाने वाला हूँ एक ट्रैप बेस। तो इस बेस में गाइस आसपास बहुत सारे ट्रैप बिछे होंगे और बेस के अंदर भी ट्रैप होंगे गाइस, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और डोर पे गाइस लॉक नहीं होगा। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैनन की जगह शॉटगन यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर ना करो तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे मैंने लगा दिया है ट्रैप गाइस, इससे बचना इम्पॉसिबल है, कोई बंदा यहाँ आके बच ही नहीं सकता। तो इसके बाद आप बच सकते हो, क्योंकि इसके अंदर मैंने स्लीपिंग बैग रखा है नीचे, तो आप इजीली इस डोर से बाहर पहुंच जाना, ठीक है? और बंदे अगर यहाँ पे कूद जाएंगे, ऐसे बंदे कूद ही जाएंगे, क्योंकि मैंने वहाँ पे एक ऊपर ट्रायंगल वाला सीलिंग डाल दिया है, ठीक है? तो चलो गाइस इसको फटाफट बना लेते हैं। कैसे बनाना है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे डोर पे गाइस लॉक नहीं लगाना सबसे पहली बात, क्योंकि अगर डोर कोई बंदा तोड़ेगा, ठीक है, तो जो रूफी लगा था छोटा वाला, तो वो भी टूट जाएगा, तो इससे आपका जो पूरा काम बिगड़ जाएगा, ठीक है? तो रूफी वो वाला आपको तोड़ना ही नहीं है, डोर की जो है लॉक लगाना ही नहीं है। इससे लोगों को ऐसा होगा कि वो थोड़ा आलसीपन करेंगे और नीचे बिना देखे कूद ही जाएंगे, ठीक है? वैसे दिखेगा नहीं, डायरेक्ट आती एक दो बार तो मरेंगे ही। और एक दो बार मरने के बाद गाइस उनको आसपास जैसे ही कवर लेने जाएंगे, ठीक है, तो कवर के आसपास भी उनको ट्रैप मिलेंगे, जिनके कारण वहाँ से भी वो मरेंगे, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है आज का बेस। तो पूरा फुल वीडियो देखना और बेस का डिज़ाइन कैसा लगा मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और मैंने कुछ और बेस सोचे हैं, लेकिन उन बेस को बनाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझको, ठीक है? और मतलब रैंक के अंदर, वही सोशल में बनाना इजी है, बट रैंक में थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उनको बताओ कि ना बताऊँ, जैसा कि कार रखने के लिए, फिर अपना हेली वगैरह के रखने के लिए भी, साथ में साथ जो बंदे जो है रोबोट वगैरह बनाते हैं, ठीक है, उनको भी रखने के लिए जगह चाहिए होती है अपने बेस पे। तो उसके लिए भी अपने को जो है एक बेस बनाना पड़ेगा उस लेवल का। तो वही मैं सोच रहा था कि कैसे बनाया जाए। तो अगर आप बोलोगे तो मैं बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस शूटिंग एरिया के साथ। और हाँ, मैं शूटिंग एरिया बनाता हूँ हर एक बेस में, ज़्यादातर देखे होंगे। तो पिछली वीडियो में जो शूटिंग एरिया बनाया था, मतलब पिछला जो वीडियो है, तो ये वाला शायद आप लोगों को पसंद नहीं आया, और ऐसे ही मैं नॉर्मली बना रहा था इसको, ठीक है? मैं बस ट्राई कर रहा था कि देखते हैं, अगर आपको पसंद आता है इस टाइप का शूटिंग एरिया वाला, तो आपको ऐसा और बना के दूंगा। लेकिन आपको पसंद नहीं आया, मैं समझ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन अच्छे और अच्छे तरीके से वीडियो बनाएंगे और फिर आपको बताएंगे, ठीक है? और जहाँ तक गाइस मैं सर्वर की बात कर रहा हूँ, तो सर्वर गाइस अपन खेल रहे हैं, ठीक है, मैक्समोर गेमिंग का जो सर्वर है, अपन अभी भी उसमें कंटिन्यू है, तो टेंशन नहीं लो, अपन उसका दूसरा एपिसोड लाएंगे कल या परसों तक, अपन दूसरा एपिसोड चालू कर देंगे, ठीक है? और अभी जो ट्रैक वाला वीडियो देख रहे हो, ये है सुबह, ये मतलब अभी रात को 1 बजे मैं इसको रिकॉर्ड करके, मतलब एडिट कर रहा हूँ, ठीक है? एडिट करने के बाद इसको अपलोड करूँगा मैं कल सुबह या कल दोपहर 2 बजे के आसपास। तो अभी देखते इसका टाइम अपलोड करने का कौन सा है, लेकिन हाँ, ये ऐसे भी कोई डेट वाला वीडियो नहीं है, क्योंकि ये ट्रैप बेस डिज़ाइन वाला वीडियो है, तो इसको मैं कभी भी अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे फर्नेस वगैरह, फर्नेस पे लॉक लगा देना गाइस, क्योंकि आप इसके अंदर लॉक नहीं लगा रहे हो, तो फर्नेस पे याद से लॉक लगाना, और फर्नेस में जो लॉक लगा होगा तो उसी फर्नेस को देख के बंदे आएंगे, ठीक है? और कोई दूसरा कारण नहीं है बंदों के आने का। फर्नेस के अंदर लॉक नहीं लगा होगा ना, तो बंदे लूट ले जाएंगे। और यहाँ पे स्लीपिंग बैग लगाने में कंजूसी मत करना, क्योंकि आप भी इसके अंदर गिर के ज़रूर किल होने वाले हो, ठीक है? तो यहाँ पे स्लीपिंग बैग लगा देता हूँ मैं इजीली। और यह है ट्रैप, ट्रैप नहीं हो, क्या बोलते हैं, सुई फेंकता है, ठीक है, तीर फेंकता है तरह से, तो काफ़ी बढ़िया वो चीज़ भी। यहाँ पे एक स्लीपिंग बैग लगा देते हैं, और स्लीपिंग बैग लगाने की जगह बहुत सारे हैं इसके अंदर, तो कोई टेंशन नहीं है। स्टोरेज बॉक्स जितने लगे हैं उतने काफ़ी होंगे, और चाहो तो और भी लगा सकते हो। एक ट्रैप बेस गए हैं गाइज मेनली, तो ऐसा मान लो कि आप किसी मेन जगह पर ऐसे रूम वगैरह के आसपास बेस बनाए हो, ठीक है, आपके बेस पे तो कैंपिंग होती है, लोग आना जाना कर रहे हैं, तब आप ये वाला बेस बनाओ। लेकिन हाँ, ये मेन बेस नहीं है बिल्कुल भी, तो इसके ऊपर भरोसा करके मेन बेस इस टाइप से नहीं बनाना, कि मेन बेस ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है? कोई भी ग्लाइडर यानी जो सीढ़ी लगा के ऊपर चढ़ सकता है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसका बेसल इतना ऊंचा है कि कोई सीढ़ी लगा के इसके ऊपर आ नहीं पाएगा। तो बस यही है इसका मेन एक कारण, मैं आपको इसका बेसल दिखाऊंगा पूरा बेस के बाहर से,
तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बेस कितना अजीब है। और ये है 2x6 यानी दो बाई तीन का यानी 2x3 का बेसल वाले बेस है। तो यही इस सर्वर का एक खतरनाक बेस डिजाइन है। लॉक मत लगाना एक डोर पे, ठीक है, बाहर वाले पे लॉक मत लगाना, अंदर वाले पे लॉक लगा देना डोर के ऊपर, क्योंकि इसी से बंदे जो है किल होंगे, ठीक है। यही तो अपन ट्रैप बनाए हैं। और यहाँ पे चाहो तो कुछ और लगा सकते हो, शॉटगन ट्रैप लगा देना, जिससे बंदों को ज़्यादा सोचने का मौका नहीं मिलेगा और नीचे ही कूदेंगे। और मैं सोच रहा था कि यह रूपी के ऊपर लगा सकता हूँ क्या, नहीं लगा सकता, चलो कोई दिक्कत नहीं, अपन और कहीं लगा देंगे। ओके, यहाँ पे भी स्टोरेज बॉक्स दो चिपका दिए, कुछ जगह खाली रहने देते हैं और कुछ जगह पे अपन ओ मेंटेनेंस पूरा डालना पड़ेगा। मेंटेनेंस नहीं है देखो अपने पास, ओ मतलब अपने कैबिनेट के अंदर, बाकी ऐसे तो मेरे पास मेंटेनेंस की कोई कमी है नहीं गाइस। तो यहाँ पे आयरन तक का बना देंगे, कोई बड़ी मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे आयरन का बन जाएगा, ठीक है, ईजी पीजी। और हाँ, सर्वर मैंने छोड़ा नहीं है, तो सर्वर में काम चालू है, मतलब उसमें फार्मिंग वगैरह करेंगे मस्त, उसके बाद फिर तेज़ी से स्टार्ट करेंगे सर्वर खेलना, ऐसे एकदम लुल्लू की तरफ नहीं जाएंगे एकदम। इतना भारी शुरुआत करेंगे ना तो बंदे देख के डर जाएंगे कि ये क्या हो गया। तहलका होना चाहिए दोस्तों, तहलका। ओके, तो यहाँ पे मैं पूरा फार्मिंग वगैरह मेल्ट करता हूँ, ऐसे इसके ही कोई ज़रूरत नहीं थी, मैं ऐसे ही आपको दिखाने के लिए इसको मेल्ट करने पर डाल दिया हूँ, ठीक है। तो देखो अभी बेस देख के आपको कैसा लग रहा है, अभी ट्रैप बनाने का टाइम है गाइस, अभी तक जो देख रहे हो उन्हीं को समझ में आएगा, बाकी लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो गाइस जो लोग देख रहे हो वही है, आप मान लो कि आप ही सच में गेम खेलने वाले हो, ठीक है। ये क्या हो गया, अरे अरे अरे, अच्छा हाँ मैं समझ गया, उस टाइम ना एक मैसेज आया था, तो मैसेज के चक्कर में फ़ोन ऑटोमेटिकली मूव हो गया था। अच्छा वहाँ पे नहीं लग सकता, यहाँ पे इतने सारे लगाऊंगा ना कोई बंदा इसके अंदर अगर गिरे, ठीक है, टैलेंट भले ही उसका अपग्रेड हो, डैमेज वगैरह कम जाए, लेकिन फिर भी बंदा नॉक होकर यहाँ पे अपना डेड बॉडी या डब्बा जो है उसको छोड़ के ही जाएगा, ठीक है। अच्छा तो नहीं लगेगा, इतना काफ़ी है, इतना काफ़ी है दोस्तों। ये रूम के लिए वाला बेस यूज़ करना गाइस, ठीक है, तुरंत आओगे इसके बाद, और यहाँ पे आके अब हो सकता है आपके पीछे अगर बंदे रहेंगे, ठीक है, ऐसे रेड टाइम पे ही बस उसको ना लॉक अनलॉक करके रखना, बाकी रेड टाइम के बाद इसको लॉक कर देना, ठीक है। या आप चाहो तो इसको ना सेकेंड वॉल भी लगा सकते हो उसके ऊपर, ठीक है, डोर सेकेंड डोर, क्योंकि डोर का हेल्थ कम रहता है, वॉल का हेल्थ ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको पता नहीं है तो आप मेरे ये वाला वीडियो देख लेना, अगर अपलोड इससे पहले होगा तो आपको पता चल जाएगा। और डोर और वॉल में जो है वॉल का हेल्थ ज़्यादा रहता है, तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, प्रैक्टिकल किया हूँ मस्त, तो उसको आप देख लोगे तो आपको रेट कौन से तरीके से करना है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। या फिर मैं कुछ टाइम घोड़े के साथ टाइम पास कर रहा था, बताओ, ये तो मुझे करना नहीं था, लेकिन फिर भी मैं वीडियो के बीच में आपको दिखा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ मैं चिमकंडी गिरी, मैंने सोच रहा था कि घोड़े को भी फंसा देते हैं क्या। ओके एक तो लगाया, फंसा क्या, अरे ये तो ऊपर चला जा रहा है, अरे अरे भाई 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 भाई, भाई। कुछ नहीं होगा घोड़े को, चलो छोड़ो उसको। और यह अपना ओके, ये देखो गाइस इतना ऊंचा है बेसल, तो इस पर कोई सीढ़ी लगा के ऊपर नहीं चढ़ पाएगा डायरेक्ट, तो हाँ आजकल तो लोगों के पास जो है वो भी आ रहा है, क्या बोलते हैं इसका, जॉइंट हॉर्स, ठीक है, तो उससे इजी पीजी लोग ऊपर चढ़ जाएंगे। और छत के ऊपर से अगर रेड करेंगे तब तो रेड हो जाएगा गाइस, इसलिए इस बेस पे मेन लूट मत रखना, मेन लूट अपने मेन बेस पे रखना, ये बस रूम करने के लिए सही है, ठीक है। तो इतना समझ गया होंगे, होप करता हूँ। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप सेलेक्ट कर देना। तो आज का वीडियो बस यही तक, और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करो जिससे उनको भी ट्रैप बेस के बारे में पता चले, और बताना कमेंट में कौन कौन सा वीडियो आप देखना चाहते हो। तो मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।